लेट इट बी यार, लेट इट बी गाइस, जो पर्सनल बंदे को स्टॉप मैसेज करना बताऊंगा। हेलो गाइस, मैं और ये मेरा दोस्त हम ऋषिकेश जा रहे हैं और बस हम दो ही लोग हैं। एक बंदा और था, उसका डिनायल हो गया, चूतिया साला। तो अभी सो गए थे हम बस में, स्लीपर बस में जा रहे हैं। बस ये जयपुर की है, जयपुर टू हरिद्वार पे बस ने स्टॉप लिया है बीकानेर पे। तो कुछ खा के निकलेंगे यहाँ से। पनीर पकौड़ा 60 रुपए का था, हम देखना चाहते हैं कैसा क्या है पनीर पकौड़ा में कि वो 60 रुपए का था। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द चाय। खाना आएंगे तो देखते कितने का है 60 रुपए का पनीर का पकौड़ा। ये कह रहा है कि सस्ता है, मैं बोल रहा हूँ मेरठ में 10 रुपए की खिलाऊंगा, इतने बड़े बड़े इतने बड़े। चाय तो बहुत अच्छी लग रही है, अभी इसके साइड पर चलेगा आपको मेरे जब हाथ आएगा आगे देखा 60 रुपए का। तो कह रहे हैं महंगा नहीं है, और आप सोचो अगर इसके लिए महंगा नहीं है तो अपने शरीर पे कितने खर्च कर देता होगा। ये 60/20 रुपए का है ये चाय। कुल्हड़ चाय 40। बढ़िया बढ़िया, बहुत 40 की एक सस्ती है। पहले कुल्लर चाय 40 की एक सही है यार, मतलब गांव खैर मतलब क्या ठीक है। A few moments later. So guys, we just reached Haridwar. हम हरिद्वार के थ्रू ऋषिकेश जा रहे हैं। ये रीजन भी हमें बस नहीं मिल रही थी क्या कि नहीं। यहाँ पे हम उतर चुके हैं और हमें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी है ऋषिकेश के लिए। हम ऋषिकेश पहुँचे अभी, ऑटो वाला उड़ा था, हालांकि हाँ नहीं उड़ा। ठीक है आए भाई, ऐसे ऐसे उड़ जाएंगे। A few hours later. Guys, ऋषिकेश पहुंच गए हैं। पूरे पसीनों में भीग गया हूं मैं, जो भी है सही है। फिलहाल बाइक रेंट करने आए हैं या स्कूटी, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। So this is the view from here. अभी हमने एक जगह बात करी थी बाइक को, सर स्कूटी की, एंड वी आर लुकिंग फॉर बाइक। हमें बाइक मिल जाए, बाइक मिल जाए। ये बंदा बहुत बार आ चुका है, ब्रिज तो नहीं है जो भी है, इसे क्रॉस करने के बाद हमें बाइक मिल सकती है। सस्ते में मिल जाए तो अच्छा है, वरना ये जो है बंदा मेरे साथ ये स्कूटी पे चलेंगे, स्कूटी कर लेगा जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि रोज हम नहीं आते हैं। हम यहाँ पे रुके हैं देसी ढाबा, यहाँ पे करके ऋषिकेश में बाइक ले लिया हमने, बाइक लिया हिमालय अभय की व्यू पे बिल के अगेंस्ट जाके। क्योंकि बंदे का सोचा था स्कूटी, मैंने इसे खींचा बाइक पे, बाइक से हम क्लासिक पे आए और जब हम लेने बाइक पहुंचे तो हमने ली हिमालय। तो हो बस गाली मत दिए ब्लॉग से, हम दिखा नहीं पाए बाइक। फिलहाल आपको दिखाऊंगा मैं आपको बाइक, रीजन भी क्योंकि बाहर से निकलती बहुत ट्रैफिक था और धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये बाय द वे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हेलमेट के लिए लगाया है। धूप इतनी थी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। बस हम पेट्रोल भरवा के सीधे यहाँ पे लैंड हुए हैं। कहाँ पे हम, लक्ष्मण झूले के आगे, लक्ष्मण झूले पे ही हैं। आलू प्याज पराठे तो ऑर्डर करें, देसी ढाबा नाम है यहाँ का, अगर अच्छा निकला तो अब भी आना, मत आना, आई डोंट केयर। कोई नहीं आता ब्लॉग देखते हैं ना भाई। हाँ मैंने ब्लॉगिंग का डर खत्म किया था, बस ब्लॉगिंग ऐसे थोड़ी देर चलती है। अब देख कैंप्स जितने भी हैं सब आस पास ही ऑफिस कैंप्स के, बाकी तो ऑफिस सब आस पास है यार। ट्राइंग फॉर अ कैंप राइट नाउ, और इस वक्त रेस्ट की बहुत जरूरत है। मतलब हमें बैग कहीं पे रख के लेटना या बैठना है आराम से। मैं होटल लेता हूँ, होटल लेने का बिल्कुल मन नहीं क्योंकि ऋषिकेश में अगर आप होटल ले रहे हो तो वो बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर एडवेंचर करना है, एडवेंचरस चीजें कर रहे हो तो कैंपिंग रिवर साइड कैंपिंग इज अ गुड थिंग। देखते हैं क्या होता है, अभी यहाँ से खा के निकलेंगे और निकलने के बाद ढूंढेंगे कोई कैंप। सो दिस इज व्हाट वी गॉट हियर, पराठा खाते हुए बढ़िया खा के देखते हैं हम। तो घूमने के बाद हम लक्ष्मण झूले की साइड आए रूम देखने। काफी लंबा घूमने के बाद हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। सारे कैंपिंग वाले ऐसे कर रहे थे कि आप मेरे पैसे दे दो, प्री बुक कर लो, फिर आप लोकेशन पे आओ। लोकेशन भेजने को तैयार नहीं थे तो मेरे को सही लगा नहीं। मेरे ख्याल से जो रेगुलर आते हैं उनका पता नहीं उनका क्या ओपिनियन होगा इस पर, हमें सही नहीं लगा। और हम बहुत थक चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं 5 मिनट में। हम स्केड्यूल से इतना पीछे कि सोच भी नहीं सकते। तो अब है बाइक चला रहा है और अब हम जा रहे हैं शिवपुरी की तरफ। शिवपुरी साइड हमें कैंप्स मिल जाएंगे क्योंकि होटल्स यहाँ के बहुत सही नहीं है। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि कैंपिंग ही कर लेते हैं, थोड़ा पैसा अगर लगेगा तो लगेगा, बजट से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छा सा कैंप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब वहाँ डॉर्मेट्री मिले या कैंप मिले, रुकना तो है। जब हालत नहीं है, दोपहर का कुछ नहीं खाया, सुबह का बहुत बस एक पराठा खाया ढंग से। सो वी नीड रेस्ट लाइक डेस्परेटली। ऑलमोस्ट
रास्ते यार, रास्ता बहुत कच्चा है, धूल धूल हो गए हैं। पर्ची कटी है हमारी दो, एक जगह हमारी कटी 10 रुपए की जो एक दिन की होती है क्योंकि रेंटल बाइक है तो येलो नंबर प्लेट की वजह से, और एक जगह कटी 20 रुपए की आते हुए यहाँ पे। लेट्स सी देखते क्या होता है। A few moments later. So hey guys, कैंपिंग नहीं हो पाई है, कैंपिंग कैंप्स हमें नहीं मिले और हम वापस वहीं पे कहाँ पे लक्ष्मण झूले के पास है, वहाँ पर हमने एक होटल लिया है। झूले का तो लिमका से होटल लगा, हाँ फ्रेश लाइम सोडा दूंगा, नींबू पानी, हाँ कितने का सेम रेट है। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं, एक होटल में हमने स्टे करा और फिलहाल हाँ तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, एक होटल में हमने स्टे किया है। अरे कैमरे में नहीं देख रहा था यार। हम फ्रीडम कैफे में, फ्रीडम कैफे में बैठे हुए हैं, 3:30 से पार हो चुके हैं, बहुत थक गए हैं। प्लान था कुछ नीलकंठ का पर हल्की बारिश हो गई है, देखते हैं अब जाएंगे या नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है, पर धूप भी है बारिश भी है, कुछ ऐसा मौसम है नहीं कि ज्यादा खराब हो ज्यादा डेंजरस हो जाए। रिवाज से लग रहा हो कितना थका हुआ। चाप हमने ऑर्डर करी थी यहाँ से, ये हमने ऑर्डर किया था, मैं घटक चुका हूँ, उसका बचा है तो उसका मैं घटक जाऊंगा आधा या फिर एक बार मंगाऊंगा। चाप इज लुकिंग वेरी टेस्टी। फ्रीडम कैफे में हम, फ्रीडम कैफे आराम से भाई, मैं चुन लोग चौकड़ी मार के बैठा यहाँ पे, ये बंदा भी देख सकते हो आराम से, और इतना चिलिंग है यहाँ पे, साइड में व्यू है पूरा, लेक का व्यू है, राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे, आप देखो एक बार ये राफ्टिंग हो रही है और काफी चिल है। यहाँ से खा के चलेंगे हम, खाना थोड़ा लेट आया है, आई थिंक ये वर्थ इट होगा क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है, फिर बात चलेगा बाकी तो लेट्स सी। चाप अच्छी ऐसी बात नहीं है पर पंजाबी वाले मसाले नहीं है, थोड़ा बड़क मजा नहीं है, जगह क्वालिटी वेरी नाइस, सुकून है, मस्त है। A few inches later. निकल गए हम फ्रीडम कैफे से, खाना हमारे ओके था, मतलब पंजाबी वाला टेस्ट तो नहीं था, तो हम कोई और जगह ढूंढ रहे जहाँ हम खा पाए। क्या है चलते हैं क्या, हम बहुत अच्छा चुका हूँ, बाइक पे जाएंगे घूमेंगे देखते हैं कुछ मिलता है। तो A few minutes later. हमने आके अब यहाँ पे एक नए कैफे में स्टे करी है, कौन सा है नाम नहीं पता, एक अच्छा कैफे है राम जिले के पास, हमने प्रिंट रोल ऑर्डर करे हैं वहाँ से, प्रिंट रोल देखते हैं कैसे होंगे। चटनी में कोई वो नहीं है काम चोरी, और इट्स टेस्टी, मजा आ रहा है खाने में, टेस्टी है, पता भी नहीं चला कब लास्ट बाइट पे पहुंच गया, खाना बहुत बढ़िया था, खा उससे मजा आ गया खा के। हरिओम फास्ट फूड सेंटर नाम है आगे, अमेजिंग बहुत बढ़िया था। हम शाम को फिर से यहाँ पे मोमोज ट्राई करने आने वाले हैं, अभी हम बाइक निकाल के जाने वाले हैं, पेमेंट कर रहा है अभी, फिर हम यहाँ से निकलते हैं बाइक की ओर चलता हूँ, बाइक दिखाया तो आपको बाइक देखी नहीं। सो दिस इज द बाइक वी हैव, हिमालयन, जो हमने किराए पे ली है, बाइक बहुत अमेजिंग है सही बताऊँ, और सही बताऊँ उसमें मजा आया चलाने में, अभी अभी ने भी इतना लंबा चलाया, ये पे क्लासिक है एक्चुअली, क्लासिक हार्ड टू हैंडल है, उसे पीछे करना आगे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। सो वी आर ऑन दिस, और हम चलते हैं राम झूले की तरफ, राम झूले ओके। तो हम पहुंच चुके हैं, हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं पानी की तरफ, पानी बढ़ गया पहले से, हाँ इन्होंने फ्लो पीछे से बढ़ा दिया। डैम क्या है, डैम है यहाँ पे, इजी डैम है भाई, बहुत बड़ा डैम है। अच्छा मेरी जी के इतनी वीक है, और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, ये रहा राम झूला, ये रही गंगा जी, हम जाने वाले हैं इनके पास, तो अब हम यहाँ पे जाने वाले हैं सामने, वहाँ सामने देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है यार, हम यहीं पे बैठे हैं, लुक एट द स्काई, यहीं पे बैठने वाले और क्या, थोड़ी देर के लिए, तेरे को पता ही नहीं, त्रिवेणी में बहुत प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ से, अगर आप देखो ये हुए ऐसे है यार, राम झूले के पास, ये रहा राम झूला, पानी बहुत चिढ़ रहा है बट सही बताऊं वर्थ इट है क्योंकि इतना प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है, काले बादल जो धूप वहाँ पड़ रही है सामने माउंटेन पे उधर, और ग्रीनरी, और ये देखो बादल का लुक तो मेरे ख्याल से दिख रहा है इसमें अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है, अभी के अनुसार ये आज के टाइम पे बहुत साफ है, अपना पैर हल्का सा अंदर जाता है और धूल दिखते हैं, बारिशों में वो हाल होता है। यहाँ से हमने त्रिवेणी घाट पे आने का फैसला किया, हेलो सो वी आर ऑन द राम झूला, और ये हिल रहा है, मैं बीच में नहीं निकाल पाया स्टार्टिंग में कैमरा बिकॉज बंदर थे, एंड आई एम मेकिंग श्योर आसपास होना, दिस इज ऑसम, हल्का बहुत हिल रहा है झूला, ये जो व्यू है ना दिस इज अमेजिंग, नाउ वी आर एट द मिडल ऑफ द राम झूला, हियर तार देख सकती हो, तार अगर दिख सकता उधर के, हाँ इधर के तार अगर दिख रहे हो हिलते हुए तो, वो भी नहीं दिख रहे बट ये काफी हिल रहा है इस टाइम, बहुत मजा अलग फील है, बहुत ज्यादा हो गया फोकस, पानी गहरा नहीं है, सामने वाले झूला वो कौन सा झूला है, वो जान के झूला नया वाला, मुझे तो इतना पता नहीं है, अभी आता रहता है, स्काई, अब हम त्रिवेणी घाट जा रहे हैं, इसको हम त्रिवेणी घाट की तरफ निकल रहे हैं, और यहाँ पे अभी ड्राइव करने वाला है अपने हिमालयन, तो लेट्स गो, ओके बड़ी, यो ग्रेट, ओके गिव मी दिस बैक नाउ, अभी ही से ड्राइविंग द बाइक ऑन द
वापस आराम छूरा और उसको मुझसे चांस सीन है, ये धोखा मैं याद रखूंगा, बट कोई बात नहीं अब चल रहे हैं तो। A few moments later. जस्ट अभी आरती से निकले हैं, आरती करके बहुत मजा आया, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। इतना मतलब वो लोग थे तो भी एक अलग सा पीस था वहाँ पे, अलग सी शांति थी। और जब वो आरती हुई उसके बाद भजन जो अब भी चल रहे होंगे, आवाज आ रही होगी, वो बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया। और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ, फिर करेंगे फिर आराम करेंगे, ये हमारा प्लान है। रेंट पे हिमालयन ले लिया, कोई फायदा अभी तक हुआ नहीं है ऐसे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आवाज आ जाए तो, जब मैं आरती में बैठा हुआ था कि तो मेरे को किसी ने ये बात यूट्यूब पे ना बोलू ना, जो कहेंगे पब्लिसिटी पब्लिसिटी, लेट इट बी यार, लेट इट बी गाइस, जो पर्सनल बंदे को इस तरह मैसेज करना बताऊंगा, ठीक है। भयंकर भीड़ है और हमें इस बाजार से निकलते हैं अपने हिमालयन तक पहुँचना है आगे तक। गाइस फिलहाल हम वहां से आए, होटल में खा के लेट गए थे आराम से, ठीक है। उसके बाद बस रात को वॉक करने आए एक बार, इट्स अराउंड 10 एंड बहुत भीड़ छट चुकी है, सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है उस रोड पे। फॉरनर घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों, इंडियंस हो गए हैं सारे, फॉरनर ही घूम रहे हैं। अभी बस ये इंडियन को बढ़ावा दे रहे हैं रात के 10 बजे घूम के फिलहाल। और बट हाँ, हम थक गए हैं, कल बात करते हैं। The next day. और पता चला कि हम गलत टेम्पल में, हमने मैप्स डाल दिया था, तो मतलब वो चूतिया मनाते हैं। इन शॉर्ट के आप